हमारी नारियां, स्वामी विवेकानंद। स्त्रियों की अवस्था को बिना सुधारे जगत के कल्याण की कोई संभावना नहीं है। पक्षी के लिए एक पंख से उड़ना संभव ही नहीं है। हिंदू स्त्रियां बहुत ही आध्यात्मिक और धार्मिक होती हैं, कदाचित संसार की सभी महिलाओं से अधिक। आदर्श स्त्रीत्व का पूर्ण अर्थ है स्वाधीनता। पहले मां और उनकी पुत्रियां, फिर पिता और उनके पुत्र, क्या तुम यह समझ सकते हो? मां की कृपा मुझ पर बाप की कृपा से लाख गुनी है। मां की कृपा, मां का आशीष ही मेरे लिए सर्वोपरि है। और मैं जानता हूं कि जिस जाति ने सीता को उत्पन्न किया, चाहे उसने उसकी कल्पना ही क्यों न की हो, नारी के प्रति उसका आदर पृथ्वी पर अद्वितीय है। भारत में जो कुछ पवित्र है, विशुद्ध है, जो कुछ पावन है, उस सब का सीता शब्द से ही बोध हो जाता है। सीता में प्रतिहिंसा कभी नहीं थी। सीता बनो। हमारी स्त्रियां इतनी विदुषी नहीं, परंतु वे अधिक पवित्र हैं। प्रत्येक स्त्री के लिए अपने पति को छोड़ अन्य कोई भी पुरुष पुत्र जैसा होना चाहिए। प्रत्येक पुरुष के लिए अपनी पत्नी को छोड़ अन्य सभी स्त्रियां माता के समान होनी चाहिए। पुरुषों के लिए जैसे शिक्षा केंद्र बनाने होंगे, वैसे ही स्त्रियों के निमित्त भी स्थापित करने होंगे। वर्तमान दशा से स्त्रियों का प्रथम उद्धार करना होगा, सर्वसाधारण को जगाना होगा, तभी तो भारत का कल्याण होगा। हमें नारियों को ऐसी स्थिति में पहुंचा देना चाहिए जहां वे अपनी समस्या को अपने ढंग से स्वयं सुलझा सके। उनके लिए यह काम कोई नहीं कर सकता और न किसी को करना ही चाहिए। और हमारी भारतीय नारियां संसार की अन्य किन्हीं भी नारियों की भांति इसे करने की क्षमता रखती है। दूसरी बातों के साथ साथ उन्हें बहादुर भी बनना चाहिए। आज के जमाने में उनके लिए आत्मरक्षा सीखना भी बहुत जरूरी हो गया है। देखो झांसी की रानी कैसी महान थी। स्त्री जाति के प्रश्न को हल करने के लिए आगे बढ़ने वाले तुम कौन हो? क्या तुम हरेक विधवा और हरेक स्त्री के भाग्य विधाता भगवान हो? दूर रहो, अपनी समस्याओं का समाधान वे स्वयं कर लेंगी। वेदों और उपनिषदों में स्त्रियों ने सर्वोच्च सत्यों की शिक्षा दी है और उनको वही श्रद्धा प्राप्त हुई है जैसी कि पुरुषों को। इस तरह की मां जगदम्बा अगर अपने देश में 1000 तैयार करके मर सकूं तो निश्चिंत होकर मर सकूंगा। तभी तुम्हारे देश के आदमी आदमी कहलाने लायक हो सकेंगे। उस महाशक्ति को भारत में पुनः जागृत करने के लिए मां का आविर्भाव हुआ है और उन्हें केंद्र बनाकर फिर से जगत में गार्गी और मैत्रेयी जैसी नारियों का जन्म होगा। शक्ति की कृपा के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता।